हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टुडे वी स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल फोर पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव द शॉपकीपर ड्रा वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर वाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई इट सी विल नॉट बाई इट इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों वन फोर्टी पॉइंट बाल पेन्स हैं जिनके अंदर से ट्वेंटी पेंस क्या हैं डिफेक्टिव हैं नूरी एक पेन ख़रीदना चाहती है और वह उसी पेन को ख़रीदेगी यदि वह गुड होगा अच्छा होगा यानी वो डिफ़ेक्टिव पेन को नहीं ख़रीदेगी तो दुकानदार एक पेन को ड्रा करता है रैंडमली और उसको दे देता है हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट सी विल बाइट कि उसके ख़रीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और उसके नहीं ख़रीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो यहाँ पर सिंपली आप ये समझ सकते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गुड पेन की क्योंकि नूरी उसी पेन को खरीदेगी जो गुड होगा नूरी विल बाई ए पेन इफ़ इट इज़ गुड तो हमें एक तरह से गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है सेकेंड पार्ट के अंदर सी विल नॉट बाई इट वो इसको नहीं खरीदेगी यानी कि नूरी उस पेन को नहीं खरीदेगी जो डिफेक्टिव होगा नूरी विल नॉट बाई इफ इट इज़ डिफेक्टिव तो हमें सेकेंड पार्ट के अंदर डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है यहाँ पर टोटल पेन हमारे पास है 144 फोर्टी फोर डिफेक्टिव पेंस इक्वल टू ट्वेंटी गुड पेंस हो जाएंगे 144 फोर्टी फोर माइनस ट्वेंटी दैट इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फोर फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि सी विल बाईट वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाईट तो प्रोबेबिलिटी सी विलई पेन इज इक्वल टू वो वही पेन खरीदेगी जो पेन गुड होगा तो यहाँ पर गुड पेन के फेवरेबल केसेज हमारे पास हैं वन ट्वेंटी फोर फेवरेबल आउटकम्स फॉर गुड पेन इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वन फोर्टी फोर थर्टी वन अपॉन थर्टी सिक्स सेकेंड पार्ट है तो प्रोबेबिलिटी सी विल नोट बाई पेन पेन को नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो बच्चों वो पेन खरीद नहीं खरीदेगी जो पेन क्या होगा डिफेक्टिव होगा तो हम एक तरह से डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास है ट्वेंटी अपॉन टोटल पेंस टोटल बाल पेंस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है 144 इसको सिंपलीफाई करेंगे ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफर टू एग्जांपल 13 फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टेबल हमें गिवन है यहाँ पर इसको हमें कंप्लीट करना है कि दो डाइस का सम दो तीन चार पांच छह आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी टेबल को कंप्लीट करना है सेकंड पार्ट में ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर इलेवन पॉसिबल आउटकम्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड टेर फॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी वन अपॉन इलेवन डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई यूर आंसर यहां पर दो डाइस को थ्रोन किया गया है दो डाइस को उछाला गया फेंका गया है तो वहाँ पर दोनों डाइस का जो सम है वो दो तीन चार पाँच छः इस तरह से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमें वो फाइंड आउट करनी है तो जब हमने एक दो डाइस को थ्रो किया है तो उसमें टू सम कब आएगा जब दोनों डाइस में वन वन आए पहली डाइस को थ्रो किया उसके ऊपर भी वन आए और दूसरे के ऊपर भी वन आए तो यहाँ पर सिर्फ एक केस होगा वन वन तो फेवरेबल हो जाएंगे वन और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो हैं थर्टी सिक्स तो ये हो जाएगा वन अपॉन थर्टी सिक्स क्योंकि बच्चों जब दो डाइस को थ्रो किया जाता है या एक डाइस को दो बार थ्रो किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो होते हैं थर्टी सिक्स नेक्स्ट है थ्री दोनों डाइस के डिजिट्स का स, जो सम होगा वो थ्री कब होगा जब फर्स्ट पर आए वन सेकेंड पर टू या फर्स्ट पर टू सेकेंड पर वन तो टू केसेस हो गए यहाँ पर तो टू अपॉन थर्टी सिक्स फिर फोर फोर दोनों डाइस के डिजिट का सम फोर कब आएगा जब फर्स्ट पर वन सेकंड डाइस पर थ्री या फर्स्ट पर थ्री सेकंड पर वन या फर्स्ट पर टू सेकंड पर टू थ्री केसेस तो थ्री अपॉन थर्टी सिक्स फाइव दोनों डाइस के डिजिट्स का सम फाइव कब होगा जब फर्स्ट पर आए वन सेकेंड पर फोर या फर्स्ट पर फोर सेकेंड पर वन या फर्स्ट पर टू सेकेंड पर थ्री या फर्स्ट पर थ्री सेकेंड पर टू तो फोर पॉसिबिलिटीज़ होंगी यहाँ पर फोर अपॉन थर्टी सिक्स दोनों डाइस के डिजिट का जम सिक्स कब आएगा जब यहाँ पर फर्स्ट पर आए वन सेकेंड पर फाइव फर्स्ट पर टू सेकेंड तो पर फोर या फर्स्ट पर थ्री सेकेंड पर थ्री या फर्स्ट पर फाइव सेकेंड पर वन फर्स्ट डाइस पर टू आए सेकेंड पर सॉरी फर्स्ट पर फोर आए सेकेंड पर टू आए तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाएंगी फाइव तो फाइव अपॉन थर्टी सिक्स सेवन आने की प्रोबेबिलिटी कब होगी हम दोनों डाइस की डिजिट का सम सेवन आए फर्स्ट पर आए वन सेकेंड पर सिक्स फोर सेकेंड पर थ्री तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे सिक्स केसेस, तो सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स दोनों डाइस के डिजिट्स का सम एट फोर ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज होंगी पाँच तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स अब दोनों डाइस के डिजिट्स का सम नाइन आई इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे तो फोर अपॉन थर्टी सिक्स अब दोनों डाइस के डिजिट्स का सम 10 इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास होंगे फेवरेबल आउटकम्स हो गए थ्री तो थ्री अपॉन थर्टी सिक्स इसी प्रकार दोनों डिस्क की डिजिट्स का सम इलेवन आए इसके लिए कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं हमारे पास दोनों का सम इलेवन ये हमारे पास हो सकते हैं फाइव सिक्स सिक्स फाइव दो ही होंगे सिर्फ़ तो टू अपॉन थर्टी सिक्स अब ट्वेल्व की दोनों डाइस के डिजिट्स का सम आए ट्वेल्व उसके लिए आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास सिक्स और सिक्स इसके अलावा कोई किन्हीं भी दो डिजिट्स का सम ट्व नहीं हो सकता तो so वन हो जाएगा यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हैं वन और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं थर्टी सिक्स इसका जो सेकंड पार्ट है वो समझने का बच्चों इसमें कहा है कि एक स्टूडेंट आर्गू करता है तर्क करता है कि ग्यारह पॉसिबल आउटकम्स हैं और जो प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी है वो वन अपॉन इलेवन है प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी वन अपॉन इलेवन है तो बच्चों ये बिल्कुल ही हम इससे एग्री नहीं हैं इस आर्गूमेंट से क्यों क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक की जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग है वन अपॉन थर्टी सिक्स टू अपॉन थर्टी सिक्स थ्री अपॉन थर्टी सिक्स प्रत्येक आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है वन अपॉन इलेवन किसी की भी नहीं है तो हम इस आर्गूमेंट से एग्री नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी वन अपॉन इलेवन नहीं है डिफरेंट डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है बच्चों ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए वन रूपी कोइन थ्री टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम इस गेम के अंदर एक रुपये का सिक्का है जिसको तीन बार क्या किया जाता है टॉस किया जाता है और जो आउटकम जाते हैं प्रत्येक टाइम उसको नोट किया जाता है हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट हनीफ जीत जाता है यदि हर बार तीनों बार सेम रिजल्ट आए मतलब ये है कि तीनों बार या तो हेड 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 आए या तीनों बार टेल 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 आए तो वो गेम को जीत जाता है ये कंडीशन है इसके अंदर एंड लूजीज अदरवाइज और अदरवाइज वो हार जाता है यानी कि अगर तीनों टाइम तीनों बार हेड ना आए या तीनों बार टेल ना आए तो वो गेम को हार जाता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम हनीफ के गेम के हारने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर बच्चों कोइन को तीन बार टॉस किया जाता है तो हमारे पास जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एट क्यों टू की पावर थ्री एट अगर कोइन को दो बार टॉस किया जाता है तो टू की पावर टू टू फोर और कोइन को अगर एक बार टॉस किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं टू तो थ्री टाइम्स है तो एट हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे और इनको मैंने यहां पर लिख दिया है कि मान लो कि तीनों ही बार फर्स्ट टाइम किया हेड आया सेकेंड टाइम भी हैड थर्ड टाइम भी हैड फिर फर्स्ट टाइम टेल सेकेंड टाइम भी टेल थर्ड टाइम टेल या फिर फर्स्ट टाइम हैड सेकेंड टाइम टेल और फिर हैड इस तरह से ये आठ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है, हो जाएंगे अब इस कंडीशन क्या है कि हनीफ जीतता है विंस इफ ओल गिव्स द सेम रिजल्ट यानी कि वो उस केस में जीतेगा जब तीनों की तीनों बार सेम रिजल्ट आए यानी कि तीनों बार या तो हेड आए या तीनों बार टेल आए तो ऐसे केसेज हमारे पास हैं सिर्फ दो जब तीनों बार में सेम रिज़ल्ट आए वो केसेज़ हमारे पास सिर्फ दो हैं हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है उसके हारने की लॉस द गेम यानी मैच के उस गेम के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमें वो फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हनीफ के हारने के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हैं सिक्स क्योंकि इन दो के अंदर तो वो गेम को विन कर लेता है जीत लेता है विन्स द गेम जब तीनों टाइम एच एच या तीनों टाइम टी टी आए, तो वहाँ पर वो मैच को जीत लेता है इन बाकी छः केसेस के अंदर वो मैच को हार जाता है तो हमें यहाँ पर उसके हारने की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू लॉस द गेम इज इक्वल टू सिक्स क्योंकि सिक्स केसेस के अंदर ही वो मैच को लॉस करता है इन दो के अंदर तो मैच को विंस करता है जीत जाता है वो तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी पी लॉस द गेम ये हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू लॉस द गेम सिक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एट थ्री अपॉन फोर और बच्चों यहां पर अगर इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विंस द गेम उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो वो यहां पर हो जाएगी टू अपॉन एट क्योंकि तो जीतने के फेवरेबल जो केसेस हैं वो सिर्फ दो ही हैं तो टू अपॉन एट हो जाएगी वहां पर आपको ये फाइंड आउट नहीं करनी फिर मैं लिख देता हूं यहां पर कि प्रोबेबिलिटी विंस द गेम ये हो जाएगा टू अपॉन एट वन अपॉन फोर ए डाई इज थ्रोन टवाइस एक डाई को दो बार फेंका जाता है वाट इज द प्रोबिलिटी दैट नंबर वन फाइव विल नोट कम किसी भी बार फाइव ना आए सेकेंड फाइव विल कम अपट लीस्ट वंस ये फाइव कम से कम एक बार आए ये मैं यहाँ पर दोनों की प्रोबिलिटी फाइंड आउट करनी है इज थ्रोन टवाइस डाई को दो बार फेंका जाता है सो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे थर्टी सिक्स बच्चों इस बात को समझना कि एक डाई को दो बार फेंका जाए या दो डाई को सैमेंटेश एक साथ फेंका जाए वो दोनों ही केस में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास थर्टी सिक्स ही आएंगे तो यहाँ पर जो थर्टी सिक्स आउटकम्स हैं वो क्या क्या होंगे जो थर्टी सिक्स टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास होंगे वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स इस प्रकार से ये टोटल है थर्टी सिक्स वन वन का मतलब है कि पहले बार डाई को फेंकिया वन आया दूसरे टाइम फेंकिया तो भी वन फर्स्ट टाइम में वन सेकेंड टाइम में टू या फर्स्ट टाइम में वन सेकेंड टाइम में थ्री इस प्रकार से या फिर फर्स्ट टाइम में टू सेकेंड टाइम में वन या फिर फर्स्ट टाइम में टू सेकेंड टाइम में तो इस तरह से ये टोटल हमारे पास थर्टी सिक्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे अब इसमें पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि फाइव एक बार भी ना आए तो बच्चों यहाँ पर देखो ये केस ऐसा है जिसके अंदर फाइव एक बार भी नहीं है इसमें भी नहीं है इस केस को छोड़ दें वन फाइव को इस केस के अंदर वन और फाइव है यहाँ पर इस केस में टू और फाइव है फाइव इसके अंदर है यहाँ पर इस केस में फाइव है यहाँ पर इस केस में फाइव है, इस है इसको छोड़ देंगे इस केस में यहाँ पर सभी के अंदर फाइव फाइव है सबको छोड़ देंगे यहाँ पर इस केस में फ़ाइव है तो जिनके अंदर फाइव है वो काउंट कर लेते हैं हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टोटल थर्टी सिक्स केसेज में से इलेवन केसेज के अंदर हमारे पास फाइव है तो कितने के अंदर फाइव नहीं होगा थर्टी सिक्स माइनस इलेवन ट्वेंटी फाइव 25 केस हमारे पास ऐसे होंगे जिनके अंदर एक बार भी 5 नहीं है तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए हो जाएंगे 25। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में पूछा हमसे कि कम से कम एक बार 5 आए एट लीस्ट वंस कम से कम एक बार ऐसे केसेस हमारे पास हो जाएंगे जिनके अंदर कम से कम एक बार फाइव हो दो बार हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए ऐट लीस्ट वंस तो यहाँ पर हमारे पास केसेज हैं जिसके अंदर फाइव है एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस ग्यारह तो ऐसे हमारे पास केसेज जिन के अंदर कम से कम एक बार फाइव है वो केसिज हैं इलेवन तो सेकेंड पार्ट के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसिज हो जाएंगे एलेवन यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फाइव विल नॉट कम अप टाइम इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस ट्वेंटी फाइव अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास है थर्टी सिक्स ये आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का इसी प्रकार सेकंड पार्ट के अंदर है यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू फाइव विल कम अप एट लीस्ट वंस यानी कि कितनी बार फाइव है वो कम से कम एक बार आया हुआ है ग्यारह बार तो यहां पर पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे फेवरेबल ग्यारह इलेवन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थर्टी सिक्स ये हमारा आंसर होगा ग्यारह केसेस के अंदर फाइव आया हुआ है और ट्वेंटी फाइव केसेज के अंदर फाइव एक बार भी नहीं है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ट्वेंटी फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट कौन से तर्क हैं वो सत्य हैं और कौन से असत्य या सही है या गलत है गिव रीजन्स फॉर योर आंसर हमें रीजन के साथ अपने आंसर को बताना है फर्स्ट पार्ट है इफ टू कोइंस आर टोस्ड साइमटेनियसली दो कॉइंस को एक साथ टोस्ट किया जाता है देर आर थ्री पॉसिबल आउटकम तीन पॉसिबल आउटकम्स होंगे टू हेड्स टू टेल्स और वन ऑफ ईच यानी कि दोनों बार हेड आए दोनों बार टेल आए या एक बार हेड एक बार टेल एक बार टेल एक बार

तो उसमें संख्या तो या है। the तो इवन होती हैं या फिर ओड होती हैं देयर फॉर द प्रोबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज वन बाय टू तो यहाँ पर जो ओड नंबर उसके अंदर वो होते हैं वन थ्री और फाइव थ्री पॉसिबल आउटकम्स हैं फेवरेबल अपॉन टोटल हैं सिक्स थ्री अपॉन सिक्स वन अपॉन टू इसी प्रकार इवन के लिए भी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी थ्री अपॉन सिक्स क्योंकि वन से लेकर के सिक्स तक

और फोर कौन कौन से होंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट में एच दूसरे में भी एच फर्स्ट में टेल दूसरे में टेल फर्स्ट में हेड आए दूसरे में टेल आए या फर्स्ट में टेल दूसरे में हेड आए ये चार ही पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर हमारे पास होंगे अब इसके अंदर पूछा इसने कि इन सभी के लिए इन सभी केसेस में सभी आउटकम्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो वन अपॉन थ्री है सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है वन अपॉन थ्री है ऐसा इस क्वेश्चन में दिया गया है तो बच्चों ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है रॉन्ग है ये ये क्या है इनकरेक्ट है क्यों क्योंकि यहाँ पर एच की हम निकालें तो वो हमारे पास आएगी वन अपॉन फोर क्योंकि एच के फेवरेबल केसेज है वन टोटल है फोर प्रोबेबिलिटी टी और टी तो वो भी आएगी वन अपॉन फोर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी एच टी वन अपॉन फोर प्रोबेबिलिटी टी एच दैट इज आल्सो इक्वल टू वन अपॉन फोर तो यहाँ पर प्रत्येक आउटकम्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो वन अपॉन फोर है वन अपॉन थ्री नहीं है तो ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट रीजन लिखेंगे यहाँ पर द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली एंड हैव प्रोबेबिलिटी वन अपॉन फोर नॉट वन अपॉन थ्री यहाँ पर प्रत्येक की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है वन अपॉन फोर जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ वन अपॉन थ्री तो इसलिए जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाए सेकेंड पार्ट में एक डाई को थ्रो किया जाता है एक बार वंस तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे सिक्स क्योंकि डाई के ऊपर वंश से लेकर के सिक्स तक लिखा होता है तो डाई को हम थ्रो करेंगे या तो आएगा ओड या आएगा इवन क्योंकि वंश से लेकर सिक्स तक की डिजिट हैं और ये ओड भी हैं और इवन भी हैं ओड और इवन के अंदर ये सारी की सारी कवर हो रही हैं वन थ्री फाइव ये हैं ओड टू फोर सिक्स ये हैं इवन जब भी हम डाई को थ्रो करेंगे तो इन छः में से कोई ना कोई नंबर तो ज़रूर आएगा वो या तो ओड होगा या इवन इसके अलावा कुछ नहीं तो यहाँ पर इनकी जो प्रोबेबिलिटी है ओड की ओड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी यहाँ पर थ्री अपॉन सिक्स क्योंकि ओड के फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो हैं तीन एक दो तीन थ्री टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं सिक्स वन अपॉन टू इसी प्रकार ईवन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी थ्री अपॉन सिक्स क्योंकि यहाँ पर ईवन के फेवरेबल आउटकम्स भी थ्री हैं टू फोर सिक्स थ्री टोटल है सिक्स वन अपॉन टू तो यहाँ पर ओड के बारे में पूछा हमसे तो यहाँ पर ओड की जो प्रोबेबिलिटी है वो वन अपॉन टू है तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली डियर स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज यहां पर समाप्त होती है